बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका नाम है आलू मटर कीमा। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। आलू मटर कीमा के लिए कीमा लिया है मैंने आधा किलो, आलू लिए हैं आधा किलो, छोटे साइज़ के आलू हैं इस तरीके से काट लिए हैं। मटर ली है मैंने 3 पाव, ये 3 पाव दाने हैं। उसके अलावा इसके अंदर अदरक जाएगा 1 इंच का टुकड़ा जुलियन कटा हुआ, 2 हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर मोटी कटी हुई, दही जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप, प्याज जाएगी इसके अंदर 1 लार्ज साइज़ की स्लाइस की हुई, टमाटर जाएंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के, इसके हमने स्किन पील कर लिए और स्लाइस कर लिए हैं। जो मसाले हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर 1/2 चाय का चम्मच और लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर 1 चाय का चम्मच। उसके अलावा मसालों के अंदर नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च जाएगी 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा साबुत 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच। ऑयल इसके अंदर जाएगा 1/2 कप मैंने कढ़ाई में ले लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने अनियन को लाइट ब्राउन करना है, यानी कि फ्राई करके हल्का गोल्डन कलर लेकर आना है इसके ऊपर। प्याज हमारी तकरीबन लाल हो गई है, इसको हल्का ही लाल करना है, ज़्यादा नहीं। इसके अंदर चला जाएगा इस वक्त लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही चले जाएंगे इसके अंदर तमाम मसाले, हल्का सा मिक्स करते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप पानी ताकि ये मसाले अच्छे तरीके से भुन जाएं और इनका कच्चापन खत्म हो जाए। सिर्फ 1 मिनट इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है, अब इस वक्त इसके अंदर जाएगा कीमा। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब धीमी आंच करके इसको कवर करके और मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि जो कीमा है उसमें से पानी रिलीज हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। 3 से 4 मिनट के अंदर कीमे का पानी रिलीज हो गया है और उसके बाद मैंने उसे तेज आंच करके भून भी लिया है। अब इस पैन के ऊपर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टमाटर, साथ ही चली जाएगी इसके अंदर अदरक। अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी और फिर मैं कवर करके वापस इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए रखूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और फिर उसके बाद इसके अंदर अच्छे तरीके से मैं इन्हें भी भून लूँगी। कीमा अच्छे तरीके से भुन गया है और टमाटर इसके अंदर बिल्कुल पेस्ट की तरह हो गए हैं, ये अच्छे तरीके से गले हुए हो गए हैं। अब इसके अंदर जाएंगे आलू और साथ ही इसमें जाएगी मटर। मटर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है इसलिए मैं बता रही हूँ। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते हैं। और अब इसके अंदर मैं 1 कप भर के पाउडर डाल रही हूँ और दरमियानी आंच के ऊपर इसे पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी कवर करके। और अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी और भी ऐड किया जा सकता है। तो जब तक मटर और आलू गलने जाते हैं मैं इसे अब दरमियानी आंच के ऊपर पकाती रहूँगी कवर करके। मटर और आलू गल गए हैं और पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है, ऐसे में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही। मिक्स कर रही हूँ इसे और अब तेज आंच पर ही मैं इस तमाम दही के पानी को खुश्क कर लूंगी।
दही को भी मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और आप देख लीजिए इसके अंदर ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ गया है। अब इस वक्त इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली, थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा हरा धनिया, थोड़ा सा मैं इसमें दम पे डालूँगी, सॉरी मैं गार्निशिंग के वक्त डालूँगी इसके अंदर। और इसके बाद लास्ट में सिर्फ क्वार्टर टी स्पून के करीब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा खुशबू के लिए। स्टोव की फ्लेम मैं बिल्कुल स्लो पे कर रही हूँ और इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं दम पे रख रही हूँ, उसके बाद मैं स्टोव ऑफ कर दूँगी और आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊँगी। मज़ेदार आलू मटर कीमा की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ईजी बनने वाली रेसिपी है, तो अपने घर में ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स में अपने व्यूज़ और अपने सजेशंस मुझसे शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा मेरा एक फेसबुक पेज भी है, उसे लाइक कीजिए, वहाँ आपको काफ़ी रिटन रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मेरा एक डेली मोशन चैनल है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।